जहां एक तरफ जब हमारे जहन में पुलिस का नाम आता है तब पुलिस की अलग ही छवि नजर आती है, क्योंकि पुलिस पब्लिक से सबसे ज्यादा संपर्क में रहती है और पुलिस की मारपीट आदि की तस्वीरें सोशल मीडिया व टीवी पर देखने को मिल जाती है। पर वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों पर सवाल खड़े करते हैं, जो पुलिस को गुंडागर्दी दबंगई को लेकर बदनाम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भडाना की। हम आपको बता दें कि जिस दिन से देश में कोरोना संक्रमण ने अपना जाल बिछाया है उसी दिन से पूरे देश के साथ साथ जनपद संभल में भी लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद से आम जनता के साथ साथ आवारा पशुओं पर भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पर वहीं एसपी यमुना प्रसाद के निर्देशन पर धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भडाना ने थाना क्षेत्र में आवारा घूम रहे गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनके लिए थाने में ही खाने पीने की व्यवस्था आदि कर रखी है। लगभग 150 से अधिक पशुओं को प्रतिदिन इंस्पेक्टर सत्येंद्र भडाना खुद खाना खिला रहे हैं। साथ ही जो पशु किसानों के खेतों में लगे तारों से घायल हो रहे हैं उनके लिए उपचार की व्यवस्था थाने पर ही कराई गई है। लॉकडाउन में पशुओं के लिए खाने पीने की दिक्कत होने पर थाना प्रभारी ने फल भूसा आदि सामान का स्टॉक कर रखा है, जिससे कि आने वाले समय में भी पशुओं को कोई दिक्कत ना हो। पर वहीं थाना प्रभारी की इस पहल को लेकर चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। जहां एक तरफ जब हमारे जहन में पुलिस का नाम आता है तब पुलिस की अलग ही छवि नजर आती है, क्योंकि पुलिस पब्लिक से सबसे ज्यादा संपर्क में रहती है और पुलिस की मारपीट आदि की तस्वीरें सोशल मीडिया व टीवी पर देखने को मिल जाती है। पर वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लोगों पर सवाल खड़े करते हैं, जो पुलिस को गुंडागर्दी दबंगई को लेकर बदनाम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भडाना की। हम आपको बता दें कि जिस दिन से देश में कोरोना संक्रमण ने अपना जाल बिछाया है उसी दिन से पूरे देश के साथ साथ जनपद संभल में भी लॉकडाउन घोषित है, जिसके बाद से आम जनता के साथ साथ आवारा पशुओं पर भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पर वहीं एसपी यमुना प्रसाद के निर्देशन पर धनारी थाना प्रभारी सत्येंद्र भडाना ने थाना क्षेत्र में आवारा घूम रहे गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनके लिए थाने में ही खाने पीने की व्यवस्था आदि कर रखी है। लगभग 150 से अधिक पशुओं को प्रतिदिन इंस्पेक्टर सत्येंद्र भडाना खुद खाना खिला रहे हैं। साथ ही जो पशु किसानों के खेतों में लगे तारों से घायल हो रहे हैं उनके लिए उपचार की व्यवस्था थाने पर ही कराई गई है। लॉकडाउन में पशुओं के लिए खाने पीने की दिक्कत होने पर थाना प्रभारी ने फल भूसा आदि सामान का स्टॉक कर रखा है, जिससे कि आने वाले समय में भी पशुओं को कोई दिक्कत ना हो। पर वहीं थाना प्रभारी की इस पहल को लेकर चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लॉकडाउन शुरू हुआ तब से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बाहर भी कहीं इस तरह की चारे वारे की व्यवस्था कहीं मिलती नहीं है, तो यही व्यवस्था की गई है। भूसे का एक स्टोर कर लिया गया भूसे को, और सुबह शाम दोनों टाइम सब लोग पुलिस वाले सब मिलकर उनकी चारे की व्यवस्था करते हैं। पानी के लिए इनकी होद बनाई गई है, आपके पीछे की तरफ भी है, तीन जगह हमने होद बनवा दी है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ होद बनी हुई है और इसके पीछे भी है। ये सब अलग अलग इसके ग्रुप हैं गाय के, जो करीब 120 के आसपास सब गाय छोटी बड़ी संख्या है, जो अलग अलग ग्रुपों में रहती है। कुछ आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये यहाँ इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे चले जाओ तो वहाँ छाए में भी एक ग्रुप उनका होगा, सब अलग अलग रहती है। और यहाँ फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लड़ झगड़ के चोट भी लगवा लेते हैं तो डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं, मरहम पट्टी सारी चीज़ें कराते हैं। सर क्या ये अपनी पुलिस अपनी तरफ से ही इनकी व्यवस्था करती है सारे खाने के लिए? सबका कंट्रीब्यूशन है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, जिसका जो श्रद्धा है उसी हिसाब से सभी योगदान करते हैं, साथ साथ जो उनके रातब की व्यवस्था है वो भी करते हैं। भूसा भी हमने स्टोर कर लिया है, क्योंकि अब इन दिनों में आसानी से भूसा मिल जाता है, तो अभी स्टोर कर रखा है 2 कंटेनर। लॉकडाउन के चलते आप भूसे को पहले से स्टोर कर रखा है? बिल्कुल।